आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी बवाल के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में पिछले कई महीनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बता दें कि पार्टी हाईकमान की भी नसीहत जो है अब वो सामने आ गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब जो है वो पार्टी हाईकमान ने नसीहत दे दी है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ मिलकर ही काम करना होगा। बता दें कि 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी कोई भी गलत कदम उठाना नहीं चाहती है। इसलिए हाईकमान की ओर से यह नसीहत दी गई है कि दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, जिस पर अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो है वो धीरे धीरे सुलह हो सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में कांग्रेस की 2022 के लिए जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति तैयार हो रही है। पंजाब में कांग्रेस के नए बने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर के साथ काम करने की नसीहत दी है। सिद्धू कैंप के कई विधायकों और मंत्रियों की ओर से सीएम को बदलने या फिर चुनाव में किसी नए चेहरे को चुनने की मांग को हाईकमान ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को सिद्धू कैंप के नेताओं से मीटिंग के दौरान राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने हाईकमान का यह संदेश दिया। मंगलवार को ही हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। इसी दौरान उन्होंने हाईकमान का संदेश देते हुए कहा है कि आपको साथ ही काम करना होगा। जी हां, बता दें कि सूत्रों के मुताबिक हाईकमान का संदेश देते हुए हरीश रावत ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर को हटाए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि चुनाव सिर पर है और उससे ठीक पहले ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। वहीं उन्होंने सिद्धू कैंप से कहा है कि सभी लोग मिलकर काम करें और आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करें। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा से मुलाकात की। परगट सिंह अक्सर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मुखर देखे गए हैं। रावत ने इस दौरान राज्य के कई मंत्रियों और विधायकों से भी मुलाकात की है। वहीं हरीश रावत ने कहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमने पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर बात की, नेताओं को उसकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां दी गई है ताकि चुनाव में जीत तय की जा सके। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगले 15 दिनों में पंजाब में संगठन का विस्तार किया जाएगा। अब बुधवार को ही हरीश रावत सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर बात हो सकती है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले हाईकमान कैबिनेट विस्तार नहीं चाहता है। वहीं केंद्रीय लीडरशिप का मानना है कि ऐसा करने से एक वर्ग में असंतोष पैदा हो सकता है, ऐसे में गुटबाजी बढ़ने से पार्टी को चुनाव में फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। वहीं बता दें कि पंजाब में कांग्रेस नेतृत्व को पंज प्यारे कहकर संबोधित करने की वजह से घिरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरीश रावत ने बता दें कि इससे पहले हरीश रावत ने एक बयान दिया था, जिसकी वजह से हरीश रावत को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। अपनी गलती पर पश्चाताप करने के लिए ही उन्होंने गुरुद्वारे में सफाई करेंगे भी कहा था। बता दें कि रावत ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में हुई बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके चार कार्यकारी अध्यक्षों के लिए पंज प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया था। वही बता दें कि सिख परंपरा में पंज प्यारे संबोधन गुरु के पांच प्यारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके पांच अनुयायियों से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बुधवार को अपने फेसबुक पेज पर रावत ने पंच प्यारे टिप्पणी के लिए गलती स्वीकार की। रावत ने लिखा कि कभी कभी सम्मान जाहिर करने के लिए आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर जाते हैं जिन पर आपत्ति उठ सकती है। मैंने भी अपने माननीय
अध्यक्ष और चार कार्यकारी अध्यक्षों के लिए पंच प्यारे शब्द का इस्तेमाल कर गलती की है। वहीं रावत ने कहा है कि वह देश के इतिहास के छात्र रहे हैं और पंच प्यारे के अग्रणी स्थान की किसी और से तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि मुझसे यह गलती हुई है, मैं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वहीं रावत कांग्रेस के पंजाब मसलों के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा है कि वह अपने राज्य उत्तराखंड में गुरुद्वारे में सफाई कर अपनी इस गलती का पश्चाताप करेंगे। जी हाँ, बता दें कि रावत ने कहा है कि सिख धर्म और इसकी महान परंपराओं के प्रति उनमें हमेशा समर्पण और सम्मान की भावना रही है। शिरोमणि अकाली दल ने रावत की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी और इसके लिए माफी मांगने की भी अपील की थी। वहीं सीएड नेता दलजीत सिंह चीमा ने रावत की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की थी और मांग की थी कि लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए राज्य सरकार को उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। इस बीच बता दें कि पंजाब कांग्रेस में सियासी बवाल तो पहले से ही मचा हुआ था, लेकिन हरीश रावत के इस बयान के बाद से और भी सियासत जो है वो ताजा हो गई है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच लगातार वार और पलटवार का दौर जारी है। इस बीच बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह की पार्टी हाईकमान के साथ बातें भी हुई, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को उसी पद पर रहना होगा। इस बीच बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार निशाना साधते हुए भी देखे गए हैं। अब कयास लगाए जाने लगे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सुलह हो गई है, लेकिन अब फिर से ये खबरें आने लगी है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में खटपट का दौर जारी है। इस बीच बता दें कि पार्टी हाईकमान संग दोनों की बातें भी हुई, जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि पार्टी हाईकमान ने जो भी फैसला सुनाया है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी के तहत भी कार्य किए जाएंगे। बहरहाल बता दें कि पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टी हाईकमान ने कहा है कि 2022 में चुनाव होने हैं, जिस उस पर ध्यान दिया जाए और उसके लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। इस बीच बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों के बीच धीरे धीरे सुलह भी हो जाएगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।